जानकारी दी है। उसकी एएसआई को सूचना दी, एएसआई से भी बात की। बोल जवाब थोड़ा भारी बात नहीं कर सकता। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का अध्यक्ष हूँ संजय दुबे। संजय जी, किस वजह से आज आप लोगों ने गेट उखाड़ दिया, क्या मामला? गेट हुआ है, 400-500 साल पुराना रास्ता है, इसको बंद करा जा रहा है, जिससे पूजा अर्चना में दिक्कत हो रही है लोगों को और नगर में लोगों की भावना को ठेस पहुंच रही है। अगर इसी तरह कुछ करते रहे तो मैं भजन कीर्तन करने पर बाध्य होंगे। तो क्या मानते हैं, जिस तरीके क्या अधिकारियों से बातचीत की है इस बारे में? अधिकारियों को सबको सूचित कर चुके हैं हम, लेकिन उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं। ठीक, मेरा नाम रवि दुबे। रवि जी, किस वजह से आज यहाँ दरवाजे उखाड़े जा रहे हैं और रास्ता बंद किया? एएसआई ने मंदिर जाने का रास्ता अवरुद्ध कर दिया है, इसका विरोध कर रहे हैं हम लोग और ये गेट उखाड़ रहे हैं। तो क्या मांग थी आप लोगों की? वैसे रास्ता क्यों बंद कर देंगे, मांग क्या करना होता, मंदिर का रास्ता कोई कैसे अवरुद्ध कर देगा? ताजमहल से भी 400 वर्ष प्राचीन मंदिर है। क्या आपने अधिकारियों से किसी से बात की इस बारे में? हमने एएसआई के सभी अधिकारियों की इसकी पूर्व सूचना दे दी थी, लेकिन किसी की ओर से कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं। ऐसे में अगर दोबारा दरवाजा लगाया जाता है तो हम लगने नहीं देंगे, हम उखाड़ देंगे, जो कुछ जैसे हो सकता है वैसे करेंगे, लेकिन मंदिर का रास्ता वहाँ अवरुद्ध नहीं होने देंगे। मैं तीन योजनाएं बता दूं, वो भी करो, शहर के विकास के लिए अच्छा, ताजमहल के लिए अच्छा, पर्यटन के लिए भी अच्छा। एक साल में 20 बार उस रास्ते के लिए मैंने एएसआई को लिखा। ये तो पता कर लो एएसआई में है क्या, अगर एएसआई का प्योन आ जाएगा, एएसआई का क्लर्क आ जाएगा, वो एएसआई से सुपरिटेंडेंट करेगा क्या? क्या है भैया आप एएसआई स्ट्रेटेजी में क्या के सबसे हाई सिक्योरिटी अलर्ट एरिया में जिस तरह से प्रदर्शन किया गया, गेट तोड़ने की कोशिश हुई, गेट तोड़ा गया, तो क्या इस तरह का पूरा मामला क्या है? अभी दोनों पक्षों से जो यहाँ पे जो लोग आए हुए थे, ताजमहल के पश्चिमी गेट से होके एक सिद्धेश्वर मंदिर को जाने का एक रास्ता था, रास्ते में कुछ निर्माण कार्य हो रहा था, इसी वजह से पुरातत्व विभाग वाले जैसा कि बता रहे हैं कि उनके द्वारा वो रास्ता बंद करके अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उस मंदिर पे जाने के लिए बताया गया है, लेकिन लोगों का ये इस बात को लेकर विरोध था कि उनसे बिना बात किए ही वो ये रास्ता उनका बंद किया गया है। अभी सब प्रकरण को अभी मैं देखूंगी। जैसा आप देख सकते हैं पश्चिम गेट के बिल्कुल टिकट विंडो यहाँ पर पास में पर्यटकों की यहाँ पर संख्या जो भारी बढ़ करती है, उस समय इस तरह का प्रदर्शन कहीं ना कहीं था पर्यटकों के लिए और पास की सुरक्षा में भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, इस तरह किस तरह की कार्रवाई की उम्मीद कर सकते हैं? जो भी मतलब जो भी नियम तोड़ रहा होगा और अगर उनको कोई आपत्ति थी तो ताज के गेट पे आके यहाँ पे प्रदर्शन करने की बजाय उनको जो भी अधिकारी थे उनसे बात करना था, ये कहीं ना कहीं कुछ नियमों का उल्लंघन है। सभी पक्षों को सुन के जो भी नियम उचित कार्रवाई होगी उनके खिलाफ की जाएगी और पक्षों से बात करके जरूर कुछ ना कुछ अच्छा रास्ता निकाल लिया जाएगा, जिससे लोगों में कोई भी ऐसा आक्रोश भी ना उत्पन्न हो और किसी की असुविधा के साथ। मैम, जिस तरीके से हाई सिक्योरिटी एरिया में सिक्योरिटी ब्रीचिंग हुई है, क्या मानती है इसके लिए कार्रवाई होगी? अब जो भी ड्यूटी पे जो भी कट रहा है ड्यूटी पे लगे हुए लोगों से ये
चीज बातचीत की जाएगी उनके द्वारा, क्यों ऐसा ऐसी लापरवाही की गई है। सवाल ये भी है मैम, इनका कहना है कि ताजमहल से कई सौ साल पुराना ये मंदिर है, तो ऐसे में बिना उन लोगों से, मंदिर कमेटी के लोगों से बात की आपने रास्ता ब्लॉक करने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका भी एक पक्ष है, वो ही सुना जाएगा। हाँ, सबका, सभी का पक्ष सुना जाएगा। किसी भी एक व्यक्ति को बिना बात किए अगर उसका रास्ता बंद किया जाता है तो ये भी नियमों के खिलाफ है, ऐसा नहीं किया जाएगा। उनसे बात करके ही कोई उचित रास्ता। ठीक है, ठीक है। देखिए रास्ते पर कितना कूड़ा गंदगी पड़ी हुई है, मार्ग ये ताजमहल के जस्ट बराबर का मार्ग है, क्योंकि ये मंदिर का मार्ग है ना, इसलिए इसकी दुर्दशा ये हो रही है। ये एसआई ने इसको मलबा घर बना दिया है। ये एसआई के अंदर जो अधिकारी बैठे हुए हैं भ्रष्टाचार इतना कर रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी को बदनाम करने में लगे हुए हैं। मनोरंजन का सामान, लेखन व पाठन एवं पेंटिंग सामग्री प्रतिबंधित है। इन्हें शॉपिंग आर्टिस्ट यानी लाल बिल्डिंग में बने लॉकर में जमा कराएं। हेतु पर्यटन पुलिस अथवा व्यवसाय करने से संपर्क करें। मार्ग को साफ सुथरा रखने में सहयोग करें। सहयोग एवं मार्गदर्शन हेतु CISF पर भी पर्यटन पुलिस से संपर्क करें। आपका ताजमहल भ्रमण सुखद एवं यादगार हो। ये वसई घाट के रास्ते पर एएसआई ने ताजमहल से निकले हुए पत्थरों का कूड़े का ढेर डलवा दिया है। ये देखिए, एएसआई द्वारा मंदिर के रास्ते को पूर्ण रूप से बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। ये साक्ष्य मौजूद है, साक्ष्य बोलते हैं। ये बसई घाट जाने वाला मार्ग है, जिस मार्ग पर एएसआई के अधिकारियों ने मलबे को डलवा दिया है। देखिए आने जाने में भी तकलीफ होती है। और जो नया मार्ग बना के दिया है ना, वो इन्हीं पत्थरों से एएसआई ने मार्ग का निर्माण किया है, जबकि नए पत्थरों का पैसा, नया सेक्शन हुआ था, लेकिन एएसआई ने उसको पुराने पत्थरों से निर्माण कर दिया। मैं ताजमहल के निवासियों से निवेदन करूंगा कि इस मंदिर ताजमहल के अंदर पहले आमले की पूजा होती थी, उस आमले की पूजा को बंद करा दिया, आपने विरोध नहीं किया। या जैन समाज के लोग अपना व्रत खोल देते, प्रशासन ने उसको बंद करा दिया, पुरातत्व विभाग ने उसको बंद करा दिया, आपने विरोध नहीं किया। या दशहरे का मेला लगता था, पुरातत्व विभाग ने उसको बंद करा दिया, तुमने विरोध नहीं किया। आज मंदिर को रास्ता रोकने का प्रशासन और पुरातत्व विभाग की इतनी ताकत हो गई, आपने विरोध नहीं किया तो ताजमहल में रह नहीं पाओगे। ताजमहल के नाम पर ताजमहल के हिंदुओं को यहां पर खदेड़ने की काम ये पुरातत्व विभाग हो जाकर प्रशासन करेगा। यदि आपको ताजमहल छोड़ना है तो मंदिर का रास्ता बंद करा दो। यदि ताजमहल नहीं छोड़ना है तो मंदिर का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। इसके लिए यहाँ की कमेटी या ताजमहल के हिंदू समाज के लोग जो भी निर्णय लेंगे, विश्व हिंदू परिषद कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ा हुआ है। लड़ाई कितनी बड़ी हो, हम लड़ाई लड़ेंगे।